हेलो फ्रेंड्स वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू द सक्सेस एजुकेटर आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस तो यहाँ पे जो मैंने ये पेपर लिया है ये प्रीवियस ईयर का है 2017 का यहाँ पे ये पेपर है आप देख सकते हो और यहाँ पे जो है ये पोस्ट कोड था 367 सिक्स right? राइट लेकिन इसकी आंसर की अगर आप वेबसाइट पर देखोगे वहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी तो इसके आंसर जो है मैंने खुद जो है इंटरनेट पे और बुक से जो है लिए हैं तो 32 टू क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कस करेंगे अगर हम ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको जो है कंसेप्ट जो है और क्वेश्चन भी भूलते जाएंगे इसलिए जो है हम कुछ कुछ जो है पार्ट्स में जो है ये वीडियो को डिवाइड करेंगे राइट तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट है उससे पहले अगर आप जो है टेस्ट सीरीज़ चाहते हैं जियोए को लेकर तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा परीक्षा ऐप का तो वहाँ से अगर आपको 50 परसेंट का डिस्काउंट चाहिए तो आप ई डी यू सी ए फिफ्टी का जो है कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपको फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फर्स्ट क्वेश्चन इज द अबेक्स वॉस डेवलप पाए तो अबेकस एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी किसके द्वारा डेवलप की गई थी चाइना के द्वारा ठीक है तो सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस थी हमारी अबेकस जो कि चाइना के द्वारा इन्वेंट की गई थी इसकी डेट भी आपको मालूम होनी चाहिए आप कॉमेंट बॉक्स पर लिखेंगे गाइस नेक्स्ट चलते हैं द फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस तो फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस किसे बोला जाता है मैकेनिकल अगर आपको वर्ड दिखेगा तो आपका आंसर हो जाएगा पेस्कलीन ठीक है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर पेस्कलीन तो अबेक्स के बाद जो था ये पेस्किलीन आया था दैट वॉज योर मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस अब थर्ड पे चलते हैं द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज प्रोग्रामड यूजिंग तो पहला कंप्यूटर ऑब्वियसली फर्स्ट जनरेशन की बात की गई है यहाँ पे तो पहला कंप्यूटर जो है आपका मशीन लैंग्वेज में कोड किया गया था जो कि आपकी जीरो वन की फॉर्म में होती है राइट right? नेक्स्ट चलते हैं द आईसी चिप यूज इन कंप्यूटर इज जर्नली मेड अप ऑफ काफ़ी वेक सा क्वेश्चन है ईजी क्वेश्चन है और सिलीकॉन से ये बने होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो कि आपके कौन से जनरेशन में आए थे थर्ड जनरेशन में आए थे ओके okay? आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पे चलते हैं इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट अब मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में जाने तो अलग अलग आपको सोर्सेस मिल जाएंगे जहाँ पे अलग अलग आंसर्स दिए गए हैं लेकिन मोस्ट स्पेसिफिकली थर्ड जनरेशन में जो है आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुकी थी तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है सिक्स पे चलेंगे द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन तो वर्ल्ड का पहला माइक्रो प्रोसेसर जो था इंट्रोड्यूस किया गया था कब किया गया था 1971 में, right. और उसका नाम जो था Intel 4004. तो ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर था आगे बढ़ते थे सेवन क्वेश्चन पे चलते हैं द कंप्यूटर इंटेंसिव प्रॉब्लम रन इंटेंसिव प्रॉब्लम जो होती हैं, ये सुपर कंप्यूटर के ऊपर हम रन करते हैं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा guys. एट पे चलेंगे एन एग्ज़ाम्पल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम एम्बेडेड सिस्टम का एग्जाम्पल जो है आपका यहाँ पे क्या होगा आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर तो कैलकुलेशन में जो है आपका एम्बेडेड सिस्टम इस्तेमाल होते हैं आपको जो है बताना है कि एम्बेडेड सिस्टम के और क्या एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं आप इसको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे नाइन्थ क्वेश्चन पे चलेंगे द यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर बिजनेस एप्लीकेशन इज अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स तो बिजनेस एप्लीकेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं देखिए उनकी एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और तो स्पीड आंसर हो जाएगा इंट्रोड्यूस तो, in. तो, किया, किया गया था कब 1970 को तो किसके द्वारा आप उनका साइंटिस्ट का नाम बताएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में राइट right? इलेवन पे चलेंगे मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम मेन सर्किट बोर्ड किसे बोला जाता है ऑब्वियसली हमारा जो मदर बोर्ड होता है जिसके अंदर आपके सभी के सभी कंपोनेंट्स जो होते हैं उसको हम सर्किट बोर्ड बोलते हैं क्लॉक रेट जो होता है आपके प्रोसेसर का उसको कैसे मेजर करते हैं आप देखेंगे कि उसकी गीगा हर्ट्स या फिर मेगा हर्ट्स में जो है उसकी कैपेसिटी होती है क्लॉक स्पीड होती है तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ये आपको जो है आपका माई कंप्यूटर जो होता है या फिर आपको दिस पीसी जो आप वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी उसके अंदर जाएंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपका सी का कितना जो है क्लॉक रेट है राइट 13 पे चलेंगे द फैन हाउसिंग इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ फैन हाउसिंग ऑब्वियसली हम फैन का इस्तेमाल जो है सी को कूल cool करने के लिए यूज़ करते हैं ऑब्वियस तो ऑप्शन यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर राइट तो 14 पे चलेंगे पाइपलाइन प्रोसेसिंग इंप्लीमेंट पाइपलाइन प्रोसेसिंग में क्या होता है ये तीनों की तीनों चीज़ें होती हैं फेच इंस्ट्रक्शन डी कोड इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट तो फेच करना उसको डी कोड करना देन उसको इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना तो यहाँ पे ऑल ऑफ़ दीज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिफ्टीन पे चलेंगे द टू फेसिस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एंड इंस्ट्रक्शन द टू फेसिस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एंड इंस्ट्रक्शन तो जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है उसके दो फेजिस होते हैं पहले फेचिंग फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दैट इज योर फिफ्टींथ क्वेश्चन अब बात करेंगे सिक्सटीन पे चलते हैं द माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ माइक्रोपोसर कैसे बने हुए हैं मिलियंस ऑफ क्या यूज़ होते हैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑप्टिकल माउस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑप्टिकल माउस किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ये मेरे को आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अगर मैं माउस की बात करूँ तो ये डगलस एंजल बार्ट के द्वारा बनाया गया था लेकिन यहाँ पे देखना क्वेश्चन जो है ऑप्टिकल माउस पूछा गया है और यहाँ पे कंपनी के बारे में पूछा गया है प्लस आपको इंडिविजुअल का नाम भी बताना है जिसके द्वारा जो है ऑप्टिकल माउस बनाया गया था लाइट पेन इज मेनली यूज फॉर तो आपका लाइट पेन जो होता है ये किस लिए यूज होता है फॉर डिजाइनिंग पर्पसेस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नाइनटीन पे चलेंगे जॉयस्टिक मोस्ट यूजली यूज देखिए जॉयस्टिक का जो इस्तेमाल होता है हमें सभी को मालूम है या फिर गेमिंग हो फ्लाइट सिम्यूलेटर्स हो कैड हो कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स के बारे में हो तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर इन सभी चीज़ों में जोएस्टिक्स का इस्तेमाल होता है और जॉयस्टिक जो ऐसी डिवाइस होती हैं जो कि थ्री डिग्री तक जो है मूव कर सकती हैं ट्वेंटी पे चलेंगे वाट इज़ वाइडली यूज इन अकेडमिक टेस्टिंग अकेडमिक टेस्टिंग में अगर आप अभी एग्जामिनेशन दोगे जी का तो आपको पता है आपको ओ एम आर शीट मिलती है ठीक है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑप्टिकल मैगनेट मैग्नेटिक रिकोगशन ट्वेंटी वन पर चलेंगे वाट इज एम पी थ्री एम पी थ्री क्या है एम पी थ्री एक आपका साउंड फॉर्मेट होता है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ट्वेंटी टू पर चलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंकलेस प्रिंटर तो इंकलेस प्रिंटर की बात की गई है तो इंक जेड में तो इंक होती है थर्मल में भी, भी होती है और प्लॉटर में भी इंक होती है और यहाँ पर एच डी इमेज जो होती हैं हाई डेफिनेशन इमेज को लेने के लिए जो है प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन लेजर में आपकी जो है इंक नहीं होती है ट्वेंटी थर्ड पर चलेंगे विच इज़ अ ग्राफिक आउटपुट डिवाइस दैट प्लॉट ऑन ए पेपर अटैच टू ए फ्लैट सर्फेस तो फ्लैट सर्फिस पे जो है पेपर अटैच किया जाता है और यहाँ पे ये क्या है एक आउटपुट डिवाइस है ग्राफिक आउटपुट डिवाइस जो कि आपका प्लॉटर होता है फ्लैट बेट प्लॉटर ठीक है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर पैरल पोर्ट्स कैन कोनेक्ट अब देखो पोर्ट्स जो होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं जैसे सीरियल हो गया यू एस बी हो गया पैरल हो गया ठीक है आप मुझे बताओ कि सबसे पहले कमेंट बॉक्स में स्लो पोर्ट सबसे कौन से होते हैं और फास्ट सबसे कौन से होते हैं ठीक है ये बताना और यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके प्रिंटर और स्कैनर्स इन दोनों को जो है पैरेलल पोर्ट्स के थ्रू आप जोड़ते हो कंप्यूटर के साथ तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपने बताना है कि स्लोएस्ट पोर्ट कौन सा होता है और फास्टेस्ट कौन सा होता है ट्वेंटी फाइव में चलेंगे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज तो यहाँ पे बिट ऑप्शन में है तो यहाँ पे बिट हो जाएगा अदरवाइज आपका इसका आंसर बाइट होना था राइट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमरी डज़ अ कंप्यूटर है तो जो कंप्यूटर में जो मेमरी की ध्यान में देना यहाँ पे मेमरी के बारे में पूछा गया है स्टोरेज के बारे में नहीं तो मेमरी के बारे में पूछा गया है तो मेमरी की बात करेंगे तो दो प्रकार की होती है दैट इज़ योर मेन मेमरी जिसको हम रैम बोलते हैं रैंडम एस एस मेमरी और दूसरी जो है आपकी मेन मेमरी रोम ठीक है रीड ओनली मेमरी राइट और ये वॉलेटाइल होती है ये नॉन वॉलेटाइल होती है

ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हेर सी डी रोम जो है किस लिए यूज़ करते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं मैं सभी के सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ तो ये क्वेश्चन गाइज रिपीट होते हैं इसलिए जो है हमें प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है सी डी रोम की बात करें तो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर uh, को इंस्टॉल करने के लिए इसका यूज़ होता है थर्टी पे चलेंगे वट इज़ द पोजिशन वैल्यू ऑफ टू तो टू जो है एक टेंथ प्लेस पे है तो इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर बाइनरी कोडेड डेसिमल और पी सी डी जिस जिसकी फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल ठीक है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है गाइस एट फोर टू वन लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू पूछी गई है लेकिन इसका एक और नाम होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे लास्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा द मोस्ट वाइडली यूज्ड बाइनरी कोड फॉर द माइक्रो कंप्यूटर्स तो माइक्रो कम्प्यूटर्स में जो है बाइनरी कोड जो मोस्ट वाइडली यूज होता है वो है एसकाई वैल्यू ठीक है एसकाई वैल्यू की आपको फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए ये भी आप डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो इंपॉर्टेंट है काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जामिनेशन में तो ये थे हमारे थर्टी टू क्वेश्चन नेक्स्ट के जो है रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगर मैं जो है पार्ट्स में वीडियोस में जो है पार्ट्स में जो है वीडियोस को डिवाइड करूंगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना गाइस ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए जय हिंद